अभी थोड़ी सी अपन बात करेंगे 3D जो अगर बात करूं 3D ज्योमेट्री नहीं, 3D मेंजुरेशन। अगर अपन 3D मेंजुरेशन की बात करें तो ये वो फिगर है जैसे कि आपके पास जहां पे लेंथ भी है, ब्रेड्थ भी है और तीसरे एंगल में हाइट भी है। जहां पे अगर आप ग्लास की बात करते तो ग्लास के पास क्या है, ग्लास अपने अपने कौन सा होता है, 3D। ये 2D नहीं है, लेंथ एंड ब्रेड्थ नहीं है, 3D है। तो सर वहां से शुरू करते हैं, तो सर लॉजिक किस तरफ से बन पाएगा? मैंने देखो लॉजिक तो कुछ इस प्रकार से बन पाएगा, अगर आप 3D फिगर्स के बारे में जानना चाहते हैं तो सबसे पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा क्यूबॉइड से। तो सर क्यूबॉइड एक ऐसा फिगर आपके सामने अगर मैं लेके चलूं कि जिसकी लेंथ होती है, ब्रेड्थ होती है और क्या होती है, हाइट। अभी सर जब भी आप सरफेस एरिया की बात करते हैं इनके, तो आपको ये चेक करना पड़ता है इनकी सरफेस सरफेस पे कितना है। जैसे एग्जाम्पल अगर ये इसकी लेंथ है, ये ब्रेड्थ है, तो ये जो हिस्सा हो गया, ये जो इतना ऊपर का दिख रहा है वो इसी क्या हो गई, LB। क्या हो गई, LB। तो ये LB ऊपर भी रहेगी और यही LB नीचे भी रहेगी। तो जब आप इसकी सरफेस एरिया की बात करते हैं तो आप इनके फेसेस काउंट करते हैं। फेसेस काउंट करते हैं मतलब जैसे अगर यहाँ पे बोलूँ ये ब्रेड्थ और ये क्या है, हाइट, तो ये वाला फेस कितना हो गया, BH। और इस तरफ वाला ये वाला फेस भी क्या हो जाए, BH। अगर इसका आप ये वाला फेस देखना चाहते हैं, एल है और यहाँ से कितना है, एच। तो जिसको मैं ग्रीन से शेड कर रहा हूँ देखो जरा, तो ये जो पूरा एरिया हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, LH। क्या हो जाएगा, लेंथ इनटू व्हाट, हाइट। और सर वैसे ही इस तरफ भी ये देखो, ये हो जाएगी पीछे से लेंथ और ये क्या हो जाएगी, हाइट। तो सरफेस एरिया की बात करते हैं तो सिर्फ आप सरफेस सरफेस की बात करते हैं, और जब भी आप CSA की बात करते हैं तो CSA मतलब चार साइड्स। कौन सी साइड्स, चार साइड्स, मतलब ऊपर का ढक्कन और नीचे का ढक्कन नहीं। तो सर CSA मतलब आप बिना ढक्कन के बात कर रहे हैं। CSA का फुल फॉर्म होता है कर्व सरफेस एरिया। तो अगर कोई मुझसे पूछे कि कोई भी क्यूबॉइड शेप का CSA क्या होगा, तो मैं उसको बोलूंगा भाई देख, अगर मैं ऊपर की सरफेस और नीचे की सरफेस को ना गिनूं तो इस तरफ से क्या बन रहा है, BH। इस तरफ से भी क्या बन रहा है, BH। यहाँ से क्या है, LH। और उस तरफ से भी क्या है, LH। तो इट वुड बी 2LH+2BH, या शॉर्टकट में अगर आपको फॉर्मूला देखना हो तो 2H into L+B। सर CSA हमेशा TSA को क्या बोलता है, तो CSA हमेशा TSA को कहता है अबे ढक्कन। क्या बोलता है, अबे ढक्कन। तो सर TSA में क्या आते हैं, ढक्कन भी आते हैं। क्या जाते हैं, ढक्कन भी आ जाते हैं। तो सर CSA हमेशा TSA को बोलता है अबे ढक्कन, और वहां पे आ जाएगा 2LB+BH+ कितना, LH। और अगर मैं आगे की बात करूं तो लास्ट बट नॉट द लीस्ट आखिरी में रहता है वॉल्यूम, और वॉल्यूम को हम बोलते हैं लक्स। ये अंदर की बात है, ये क्या है, अंदर की बात है। इसका मतलब इस बॉक्स के अंदर कितना सामान आ सकता है, कितना पानी आ सकता है। तो वॉल्यूम मतलब कि लक्स मतलब कि कैपेसिटी। तो अपन उसको ले लेंगे L into B into H, L into B into H। सर अगर यही क्यूबॉइड थोड़ा सा रेगुलर होता, मतलब उसके लेंथ ब्रेड्थ और हाइट क्या होता इक्वल, तो वो थोड़ा सा ऐसा स्क्वायर शेप का बनता, जिसको अपन बोलते हैं सामाजिक भाषा में क्यू। क्या बोलते हैं उसको सामाजिक भाषा में, अगर अपन लेके चल पाए तो उसको अपन बोलते हैं क्यू। तो सर अगर इस क्यूब वाली भाषा को देखें तो ये आपके पास क्या हो गया, क्यूब, जहां पे लेंथ इज इक्वल टू ब्रेथ इज इक्वल टू हाइट इज इक्वल टू क्या मान लिया जाता है, एक्स। तो सर इसकी जो चार दीवारें हो गई वो एक्स इंटू एक्स, तो वो कितनी हो जाएगी, 4x2। और छह दीवारें क्या हो जाएंगी, जब ऊपर का ढक्कन और नीचे का ढक्कन क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, तो कितनी दीवारें हो गई, छह। अब तो सोचो ना, एक ये फेस, दूसरा ये फेस, तीसरा ये फेस, चौथा ये फेस, पांचवा वो फेस और छठा सामने का फेस, तो वो अपने आप में क्या हो जाएगा, 6x2। सर वॉल्यूम का मतलब होता है लक्स, मतलब x into x into x, दैट इज कितना हो जाएगा आपके पास, x, दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके पास, x³। सर यार ये बात भी सही है। अब अगर बच्चे मुझसे चाहते हैं कि सर कुछ और भी सीखें, तो इसी में आपके पास कहीं ना कहीं अगर मैं बात करूं तो मैं ले आता हूं इसके अंदर आपके लिए क्या, सिलेंडर। और अगर मैं सिलेंडर की बात करूं तो सिलेंडर में जो मेन चीज होती है वो एक होती है हाइट, और यहां से क्या होता है आर। अब मान के चलो कि
कि जो इस सर्कल सर्कल है वो एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक बहुत सारे रखे हुए हैं, तो सर्कल फिर सर्कल फिर सर्कल। सर सर्कल का सर्कमफेरेंस कितना होता है? 2 पाई आर। सर्कल का सर्कमफेरेंस कितना होता है? 2 पाई आर। और उसको अगर अपन हाइट ले लें तो 2 पाई आर h, इसका क्या हो जाएगा? सी एस। अगर इसके अपन ढक्कन देखें तो ढक्कन कितने शेप के? सर देखो ना, एक ढक्कन इधर ऊपर का है जो कि है पाई आर स्क्वायर, और एक ढक्कन नीचे का है वो भी क्या है? पाई आर स्क्वायर। तो सर सीएसए से अगर टीएसए पे जाना हो तो क्या हो जाएगा? सीएसए हमेशा टीएसए को क्या बोलता है? अबे ढक्कन। तो क्या हो जाएगा? 2 पाई आर h + 2 पाई आर स्क्वायर। सर सीएसए से अगर टीएसए में। सर अगर वॉल्यूम पे जाना हो तो वॉल्यूम का मतलब होता है इसके अंदर कितना पानी आ सकता है, इसके अंदर कितना कोई भी मटेरियल आ सकता है, इसके अंदर कितनी एयर आ सकती है, तो वो हो जाएगा पाई आर स्क्वायर h, ठीक है ना? तो ये इसका क्या हो गया? वॉल्यूम। सर ये भी अच्छा ही है, मैंने बोला हाँ यार ये भी अच्छा ही है। अगर अपन नेक्स्ट लेवल पे बात करें आपसे और सिस्टमेटिक बात करें तो हम किस तरफ लेके चल रहे हैं, तो मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा आपके पास क्या? कोन। सर कोन में एक बात नई है वो आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि ये आपके पास एच है, ये आपके पास एल है, और ये आपके पास क्या है? आर। तो जब सीएसए पे जाओगे तो वो हो जाएगा पाई आर एल। जब आप पाई आर एल मतलब अगर हम बात करूं, एल मतलब स्लांट हाइट, जहां पे आपको पता होना चाहिए कि एल का जो मतलब है एल का स्क्वायर इज इक्वल टू एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। एल का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना? एच का स्क्वायर प्लस कितना? आई आर स्क्वायर। तो तुम्हारा जो सीएसए होगा वो कितना हो जाएगा? पाई आर एल। टीएसए क्या हो जाएगा? सर टीएसए हो जाएगा पाई आर एल प्लस कितना? पाई आर स्क्वायर। टीएसए कितना हो जाएगा? पाई आर एल प्लस, क्योंकि इसमें ढक्कन कितना है? सर इसमें ढक्कन तो एक ही है, और वो ढक्कन भी कहाँ पे है? नीचे। तो ये सीएसए हमेशा टीएसए को बोलता ही क्या है? अबे ढक्कन। तो सर इसमें ढक्कन एक ही है, और ढक्कन कौन से शेप का है? सर्कल शेप का है। तो क्या हो जाएगा? पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। सर वॉल्यूम, वॉल्यूम हो जाएगा दोस्तों इसका पाई 1/3 पाई आर स्क्वायर। सर ठीक है, ये बात भी अच्छी है। सर व्हाट नेक्स्ट? मैंने बोला अगर इसके बाद मैं आपको स्फेयर पे ले चलूं, स्फेयर का मतलब बॉल। अभी सर एक बात ध्यान रखिएगा, बॉल का कोई ढक्कन नहीं होता, बॉल में एक ही बात होती है आर। उसका सीएसए होता है 4 पाई आर स्क्वायर, और क्योंकि इसका कोई ढक्कन नहीं होता उसका टीएसए भी क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। तो सर सीएसए कितना होता है? 4 पाई आर स्क्वायर, और टीएसए भी कितना होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। सर इसका वॉल्यूम कितना होता है? इसका वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर। इसका वॉल्यूम क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। सर ये भी सही है, मैंने बोला हाँ यार सही तो है कहीं ना कहीं। अगर नेक्स्ट लेके चले और अच्छे से लेके चले तो सर इसके बाद आपके पास आता है हेमिस्फीयर, मतलब बाउल। ये इसका आर, ये इसका आर। तो सर इसका सीएसए कितना होगा? 2 पाई आर स्क्वायर। लेकिन बाउल का ढक्कन होता है, देखो बाउल के ऊपर यहाँ पे आप लगा सकते हो ना ढक्कन, क्लोज भी कर सकते हो बाउल को। तो उसका हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर प्लस कितना? पाई आर स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा? 3 पाई आर स्क्वायर। सर बाउल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 पाई आर क्यूब। सर ठीक है, अच्छी बात। सर अब और क्या बताना चाहते? मैंने बोला देखो यार ऐसा नहीं है, इसके आगे भी आपको ये बात समझनी चाहिए कि इसके बाद का एक चीज होती है जो ऐसे बाल्टी शेप का होता है, जिसको अपन क्या बोलते हैं? फ्रस्टम। क्या बोलते हैं? फ्रस्टम, जिसमें एक ये बड़ा आर1 होता है, सर ये इसकी हाइट रहती है, ये इसकी स्लांट हाइट रहती है, और ये रहता है आर2। सर ऐसे में सीएसए क्या होता है? पाई R1 + R2 × L। सर इसमें क्या ढक्कन होते हैं? मैंने बोला कि एक ऊपर का ढक्कन होता है, एक नीचे का ढक्कन, एक ऊपर का ढक्कन होता है और एक नीचे का ढक्कन होता है। तो सर अगर अपन ऊपर के ढक्कन या नीचे के ढक्कन
के बारे में बात कर ले तो यहाँ पे क्या जाएगा, पाए आर वन प्लस आर टू इंटू एल प्लस पाए आर वन का स्क्वायर प्लस पाए आर टू का स्क्वायर प्लस पाए आर वन का स्क्वायर प्लस पाए आर टू का स्क्वायर। सर ठीक है, अच्छा है सर, क्योंकि ऊपर का भी ढक्कन है और नीचे का भी ढक्कन है। सर वॉल्यूम क्या होता है? मतलब देखिए यार, वॉल्यूम के बारे में अगर मैं बात करूं तो वो हो जाएगा तेरे पास वन थर्ड पाए आर वन का स्क्वायर प्लस आर टू का स्क्वायर प्लस आर वन आर टू इंटू कितना एच, इंटू कितना एच। सर ठीक है, ये भी अच्छी बात है। तो सर क्या ये अच्छी बात होती? मैंने बोला हाँ यार, मुझे तो अच्छा लगा। सर आप और क्या चाहते हैं? यार थोड़ा सा एंगल लेके आ रहा हूं मैं आपके लिए। सर कैसा एंगल अगर मैं बात करूं तो एंगल लेके आ रहा हूं, बहुत सारे बच्चों का सिर्फ कैट और आईपीएम में कोर्स में रहेगा, अगर रहेगा भी तो वो रहेगा प्रिज्म। तो सर प्रिज्म कैसा शेप होता है अगर अपन लेके चले तो? सर प्रिज्म कैसा शेप रहता है? तो कहीं ना कहीं जो आपके पास प्रिज्म है वो थोड़ा सा ऐसे टाइप का शेप रहता है अगर मैं बात करूं तो, एक से कुछ ऐसा सा, और अगर मैं बात करूं ये आपका प्रिज्म बन गया थोड़ा थ्री डी में। अभी देखो इसके पास जो इसका वो रहता है, कहते हैं क्या, बेस रहता है। बेस कैसा रहता है? रेक्टेंगुलर शेप। बेस कैसा रहता है? रेक्टेंगुलर शेप का। तो इसका एरिया होता है बेस एरिया इंटू कितना हाइट। इसका जो वॉल्यूम रहता है, वॉल्यूम, तो जो इसका वॉल्यूम रहता है वो क्या होता है? बेस एरिया इंटू साइड। सर इसमें क्या हर साइड का अलग अलग सरफेस निकालना पड़ेगा? कुछ सोचना, अगर मैं तेको बोल रहा हूँ ये लेंथ, और अगर मैं तेको ये बोल रहा हूँ ब्रेथ, तो ये लेंथ ब्रेथ लेंथ ब्रेथ ऐसे ऐड करना पड़ेगा। फिर यहां से ये लेंथ ब्रेथ ये ऐड करना पड़ेगा, फिर ऊपर का ट्राइंगल और नीचे का ट्राइंगल। तो क्या सर इसका ऐसे सरफेस एरिया निकालना जाएगा? मैंने बोला हाँ यार, ऐसे सरफेस एरिया निकाला जाएगा। वॉल्यूम क्या होता है? बेस एरिया इंटू हाइट, बेस एरिया इंटू हाइट, ठीक है ना। अगर कोई मुझसे पूछे इसका सीएसए क्या होता है, तो आप इसका सीएसए ले सकते हो पेरीमीटर ऑफ द बेस, मतलब इसका बेस का पेरीमीटर ले लो, क्योंकि यहां से ये और ये आ गया, इंटू हर जगह से क्या चल रही है हाइट्स। तो पेरीमीटर ऑफ द बेस, पेरीमीटर ऑफ द बेस इंटू कितना हाइट इंटू कितना। सर ये भी ठीक है। सर अब इसी में अगर ये पिरामिड होता तो ये कैसा होता? देखो यार, थोड़ा सा पिरामिड बनाना अपने आप में टिपिकल बात है, फिर भी अगर अपन पिरामिड बनाने की कोशिश करें तो पिरामिड थोड़ा इस शेप का होता है, जरा देखिएगा। कभी स्कूल में आपने देखा होगा पिरामिड, ठीक है ना। नाउ दिस इज पिरामिड। सर पिरामिड का वॉल्यूम क्या होता है? तो पिरामिड का वॉल्यूम होता है वन थर्ड ऑफ बेस एरिया इनटू व्हाट, हाइट। अगर हम बात करूं इसका सीएसए क्या होता है, तो सर इसका सीएसए होता है हाफ पेरीमीटर ऑफ बेस एरिया, पेरीमीटर ऑफ बेस, हाफ पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू स्लांट हाइट, क्योंकि इसमें क्या है ना, जो मेन हाइट है वो तो बीच में से कहीं निकलेगी ऐसे, ये सब तो क्या है स्लांट हाइट ही है, तो इनटू व्हाट, स्लांट हाइट। सर देखिएगा जो बीच की हाइट है वो अलग रहेगी। अगर आपने कभी कोई पिरामिड दिखा होगा तो यहाँ से जो 90 डिग्री बन रहा है वो अलग निकलेगा, और जो ये ना ये स्लांट हाइट है, ध्यान रखिए यहाँ से ये भी अभी क्या है स्लांट हाइट। सर ये भी ठीक है। तो मैंने बोला हाँ सर, अगर टीएसए निकालना हो तो टीएसए में कुछ मत करो, सीएसए प्लस बेस का एरिया निकाल दो, बेस जैसे रेक्टेंगुलर एरिया होता है ना, सीएसए प्लस कितना बेस एरिया। सर करेंगे इसमें भी क्वेश्चंस करेंगे। सर क्या यहां तक के फॉर्मूला जोन है? हाँ, किसी भी अगर मैं बात करूं किसी भी क्यूबॉइड के अंदर जो सबसे बड़ा बंबू या सबसे बड़ा लेंथ जो घुस सकती है वो होता है उसका डायगोनल। क्या होता है उसका डायगोनल, ये ध्यान रखिएगा।
कि इसका डायगोनल, इसका खासकर पर्टिकुलरली क्यूबॉइड का जो डायगोनल होता है वो होता है एल स्क्वायर, अगर हम बात करें उसको डी स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। इन शॉर्ट अगर मुझसे पूछे डी का मतलब क्या, डायगोनल मतलब अंडर रूट ऑफ कितना, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ये हासिल। और सर इसी में, इसमें अगर देखेंगे तो इसका डायगोनल क्या हो जाएगा, आपको सोचो अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, रूट थ्री एक्स इज इक्वल टू कितना, रूट थ्री एक्स। सर अब पहले ये फॉर्मूले